हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार में अभी 1288 लाइब्रेरियन का बहाली दोस्तों आने वाला है, जो कि 4 सितंबर 2022 को ये प्रकाशन हुआ है, ये पेपर में दिया गया है। इसका कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें दोस्तों दिया गया है कि इस साल राज्य के 893 उच्च माध्यमिक विद्यालय और 300 अंगीभूत महाविद्यालय में लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। दोस्तों इसके लिए नोटिफिकेशन दोस्तों ये जारी किया गया है कि अब जल्दी बहाली ली जाएगी, और इसके लिए दोस्तों इसमें दिया गया है कि पात्रता परीक्षा ली जाएगी। पहले डायरेक्ट बहाली होती थी, और लेकिन अब ये आपको इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोस्तों इसमें दिया गया है पुस्तकाध्यक्ष और पुस्तकालय सहायक के पद पर विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्ति की जाती थी। तो दोस्तों ये पहले डायरेक्ट होता था, और अब ये दोस्तों इसके लिए इस पर सरकार ने रोक लगा दी, और इसके लिए अब दोस्तों परीक्षा होगा। दोस्तों इस लाइब्रेरियन के बहाली में नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को यह जिम्मेवारी दी जाएगी। दोस्तों जो इसका एग्ज़ाम होगा वो बिहार SSC के माध्यम से लिया जाएगा। तो दोस्तों जो भी लाइब्रेरियन के लिए पढ़े हैं, जो डिग्री जिनके पास है, वो लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही इसका बहाली आने वाला है। इसका नोटिफिकेशन दोस्तों जल्द ही जारी होगा। अभी ये सीट कंफर्म कर दिया गया कि इतने सीट के लिए 1288 सीट के लिए दोस्तों अप्लाई होगा। तो दोस्तों आज के बस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।